मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं, हिंदुस्तान के कुछ में कोने में जाके साबुन बेच सकते हैं। आप अगर कपड़ा बनाते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाके कपड़ा बेच सकते हैं। आप चीनी बनाएं, आप चीनी बेच सकते हैं। लेकिन मेरा किसान, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा, ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है, वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। इस बात को हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज समय की मांग है, हमारा कृषि क्षेत्र आधुनिक बने, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यूएडेशन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग की व्यवस्था हो, उसको संभालने की व्यवस्था हो, और इसलिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने देखा होगा, इस कोरोना कालखंड में ही पिछले दिनों 1,00,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की सरकार ने आवंटित किए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों की भलाई के लिए होगा, और इसके कारण किसान अपना मूल्य भी प्राप्त कर सकेगा, दुनिया के बाजार में बेच भी पाएगा, विश्व बाजार में उसकी पहुंच बढ़ेगी। आज हमने ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार से आर्थिक क्लस्टर बनाने जाएंगे। कृषि और गैर कृषि उद्योगों को गांव के अंदर एक जाल बनाई जाएगी, और उसके कारण, उसके साथ साथ किसानों के लिए जो नई FPO हमने बनाने का, किसान उत्पादक संघ बनाने का जो हमने कोशिश की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट का काम करेगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार यहां पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज उसको 1 साल हो रहा है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल, नल से जल हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसको लेकर के जल जीवन मिशन शुरू किया। आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1,00,000 से ज्यादा घरों में, हर दिन 1,00,000 से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं, और पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में यशस्वी हुए हैं। और विशेष करके जंगलों में दूर दूर रहने वाले हमारे आदिवासियों के घरों तक ये पहुंचाने का काम, बड़ा अभियान चला है। और मुझे खुशी है कि आज जल जीवन मिशन ने देश में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है। जिले जिले के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, नगर नगर के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, राज्य राज्य के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन का ये जो सपना है, उसको हम जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में पूरा करेंगे। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत इस जल जीवन मिशन के साथ जुड़ गई है, और उसके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं।